कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे एक ऐसी शक्ति के विषय में जो कि बड़ी से बड़ी शक्ति को भी बांधने में सक्षम है, खदेड़ने में सक्षम है और पलटने में सक्षम है। आपको करना क्या है, सिर्फ ये प्रयोग करना है और इस प्रयोग को अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी शक्ति को बहुत ही आसानी से पलट सकते हैं, पछाड़ सकते हैं। यह बहुत ही गुप्त विधान है और मेरा मानना है कि यह विधान बहुत कम साधकों को ही मालूम होगा। बाकी तो ज्ञान तो आपको बहुत से लोग देते हैं, बहुत से गुरु बैठे हैं ज्ञान देने के लिए, लेकिन कुछ जो रियल जो प्रयोग हैं जो कि प्रमाणित हैं, चाहे उन प्रयोगों को हम स्वयं से करें तो कार्य करेंगे, चाहे वह प्रयोग आप करें आपके लिए भी कार्य करेगा, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कार्य आपका करेगा, हर हाल में करेगा। ये प्रयोग प्रमाणित प्रयोग है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे शत्रु हैं जो हमेशा गुप्त होते हैं और वो सामने से आप पे प्रहार नहीं करते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़े रहते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर प्रहार करते हैं, वो भी तंत्र विद्या का। तो आप को उनकी तंत्र विद्या को काटने के लिए, पलटने के लिए मैं आपको उस शक्ति के विषय में बताऊंगा। और वह बहुत ही मतलब कि आसान विधि से आप कर पाएंगे, बहुत ही आसान विधि से कर पाएंगे। और ये भीटा देव का जो प्रयोग है ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये जो भीटा देव प्रयोग है ये एक क्षेत्रीय भाषा में नाम है, आप इसे भीटा देव भी कह सकते हैं, कोई बहरवारी देव कहता है, कोई ब्रह्म देव कहता है, कोई ढीह देव कहता है, कोई दूल्हा देव कहता है, ऐसे अनेक नाम अलग अलग क्षेत्रों में अपने क्षेत्र में भाषा के हिसाब से पाए जाते हैं। लेकिन रियल में यह जो आप एक आम भाषा में कह सकते हैं, हिंदी भाषा में जो कि पूरा भारत इस बात को समझता है, हिंदी भाषा को समझता है, ग्राम देवता, जो ग्राम का देवता है उसे आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है तो उसे आप पलट देंगे। कैसे पलटेंगे उसका मैं विधान आपको बताता हूँ। चाहे आपके ऊपर महाकाली सिद्धि आपके ऊपर छोड़ी गई हो, चाहे वह भैरव बाबा की सिद्धि छोड़ी गई हो, चाहे वह मसान के द्वारा कोई क्रिया कही गई है, या कोई आपके ऊपर मार प्रयोग ही क्यों ना किया गया हो, आप इसे बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। अगर आप साधक हैं तो भी काट सकते हैं, अगर आप एक अनाड़ी व्यक्ति हैं, तंत्र मंत्र से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है, तब भी आप इस प्रयोग को करके उस तंत्र विद्या को काट सकते हैं, पलट सकते हैं। इसमें आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। आपको करना क्या है, 5 बताशे ले लीजिएगा, 5 लौंग ले लीजिएगा, 1 नींबू और थोड़ा सा सिंदूर, साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब कि उस सिंदूर को आप ऐसा ना हो कि आपके घर की महिलाएं इस्तेमाल करती हैं और आप ही उसे आप प्रयोग में ले लें, ऐसा सिंदूर ना हो, साफ़ सुथरा हो। अगर साफ़ सुथरा सिंदूर नहीं है तो आप कुमकुम भी ले सकते हैं। और आपको लेना क्या है, 1 कपूर की डली और 1 लेना है कलावा, इतनी सामग्री लेनी है। और आपको करना क्या है, अगर आप साधक हैं तो आप ग्राम देवता का मंत्र जानते हैं तो ग्राम देवता का आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि बारवारी देवता का, भीटा देव का, जो भी आप अपने क्षेत्र में नाम लेते हो तो आप नाम लेंगे और उनके स्थान पर चले जाएंगे। और यह प्रयोग आप किसी भी शनिवार मंगलवार या अगर आपके ऊपर ऐसा प्रयोग है तो आप किसी भी समय और किसी भी दिन कर सकते हैं। आप दोपहर में कर लें, शाम को कर लें,
दिन में कर लें, कैसे भी कर लें, क्योंकि परेशानी अब है, आप शनिवार तक इंतजार कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको तत्काल किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी तिथि में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आप स्नान आदि से बिल्कुल साफ़ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए और जाइए, जाकर के देवता को नमन कीजिए, ग्राम देवता को, और नमन करने के बाद उनका भोग रखिए। भोग रखने के बाद प्रार्थना कीजिए कि ये जो तंत्र विद्या है, जो प्रयोग है, मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जो भी है इसे आप तत्काल जिसने भी किया है उसके ऊपर वापस कर दें। ऐसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप नींबू, लौंग, कपूर लेकर के जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 चक्कर घुमाएं और हर राउंड में आप कहते रहें, एक राउंड घुमाएं, एक बार कहें कि हे ग्राम देवता, मैं आपकी शरण में हूँ, जो भी इस पर तंत्र प्रयोग है, जो भी विद्या है, किया कराया है, जादू है, टोना है, मसान है, मसानी है, जादू है, या जो भी आपके क्षेत्र में जो भी कहते, जो भी आपकी आपके जो लैंग्वेज हो, भाषा हो, उसमें जो आप कहते हो वो आप कहेंगे। कहने के बाद एक चक्र उतारेंगे, फिर दूसरा राउंड उतारेंगे, ऐसे उतार उतार करके आप 7 राउंड करेंगे। और करने के बाद आप क्या करेंगे, लौंग को कट कर उसको नींबू को कट करेंगे। कट करने के बाद आप ऐसे कट करेंगे बीच से और उस पर लौंग रखेंगे, लौंग के ऊपर कपूर रख करके आप जला देंगे और ये कहेंगे बाबा जी अपना भोग स्वीकार करें। ये क्रिया आपको करनी है और मात्र एक दिन करना है। एक प्रयोग से ही आप देखेंगे जो करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर वो विद्या जा करके पलट जाएगी और उसका अहित करेगी। तो ये बहुत ही गुप्त प्रयोग है और ये साबर पद्धति के प्रयोग है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आप घबराएं नहीं, बिल्कुल ना घबराएं। यह एक प्रमाणित प्रयोग है, आप करें, जरूर करें। और जैसा कि हमने पहले सारी सामग्री बताई, लेकिन आपको ये नहीं बताया है कि आप अगरबत्ती जलाएं, धूपबत्ती जलाएं, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। किसी भी स्थान पर आप जाते हैं, किसी भी, चाहे वो हिंदुवानी मजार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे किसी की पूजा अर्चना करते हैं, तो वहाँ जाहिर सी बात है आप धूपबत्ती और अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, तो आप इसमें भी कर लीजिएगा। और इस बात का ध्यान रहे कि जब आप वहाँ प्रयोग कर रहे हो तो प्रयोग करते समय ज़्यादा टोका टोकी ना हो, बिल्कुल एकाग्रता के साथ आप प्रयोग करें। आप देखेंगे चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो, कैसी भी भीषण से भीषण प्रयोग हो, जादू हो, टोना हो, कैसा भी तंत्र मंत्र हो, सब एक प्रयोग, एक बार के प्रयोग से ही नष्ट हो जाएगा। बड़ी से बड़ी विद्या स्वतः ही वापस हो जाएगी, करने वाले के पास चली जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रयोग आप करेंगे और अगर आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो अपने आप को लाभान्वित करेंगे। और जो साधक हैं, इस प्रयोग को आप अपनी गति पे कर सकते हैं। अगर आप बार बार उतारा करते हैं, बार बार तंत्र काट करते हैं, फिर भी आपको जो आपके पास जो आया हुआ पीड़ित व्यक्ति है, रोगी है, पेशेंट है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप यह प्रयोग कीजिएगा और देखिएगा वह स्वस्थ होने लगेगा, पूर्णतया ठीक हो जाएगा। और अगर किसी ने साबर विद्या का प्रयोग कर रखा है, तीक्ष्ण विद्या का प्रयोग कर रखा है, तो विद्या उतनी ही स्पीड से, उतनी ही तीव्रता, तीव्र गति से करने वाले के पास या कराने वाले के ऊपर पलट जाएगी और उसका अहित कर देगी। तो आशा करता हूँ आप लोग इस प्रयोग को करेंगे और समझ गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो हमारे जो आने वाले जो वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।